सीरियल मन अति सुंदर में यहाँ पर जो बनाए थे पकोड़े उसे बिगाड़ने के लिए मिर्ची काटकर उसमें मिला देती है सुजाता, भर देती है उनके अंदर ताकि दिव्यम खाए और लड़ाई हो जाए दिव्यम और राधिका की, और रख देती है फिर से माइक्रोवेव में। यहाँ जब दिव्यम के सामने आता है उसका पति तो कहती है कि ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम अपने पति के साथ, कहती है कुछ नहीं। वह हाथ पकड़ के ले जाता है, कहता है कि मेरी फ़ायदा मत उठाओ मजबूरी का। घर पर जब दिव्यम बाहर आता है और बुलाता है उसके पति को, उसका पति नीचे आने लगता है और कहता है कि मुझे गिफ्ट देना है। राधिका उसके लिए गिफ्ट लाती है, कहता है मैंने तो कुछ नहीं लाया, उसमें टैडी होता है। उसे टैडी देखकर कुछ याद आता है, कहता है मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। राधिका कहती है दे दो, तो बोलता है नहीं नहीं मुझे पसंद है। उसे पुरानी बातें याद आती हैं और फिर वह टैडी को रख लेता है, कहता है मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। और जैसे ही उठाता है कहता है मुझे पता है कि आपने पकौड़े बनाए हैं, इतने दिन से घर में रह रही हूँ ना इसलिए मालूम है मुझे। तभी माँ कहती है लेकर आओ पकौड़े, और वह पकौड़े लेने जाती है, कहती है ये लो खा लो। खाता है जैसे ही तो खांसी जोर से आने लगती है और ठसका लग जाता है, बहुत बाहियात है ऐसा कहता है, बोलता है तुमसे तो कुछ नहीं बनता, और हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकालने लगता है। सुजाता की एकदम से आँख खुलती है और वह सोचती है कि अरे मैं सपना देख रही थी, अभी तो दिव्यम ने खाया नहीं। फिर थोड़ी सी खांसी आती है तो कहती है थूक दे तुझे पसंद नहीं। वह बोलता है मुझे बहुत पसंद है और इसका स्वाद मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या पता क्यों माँ, लगता तो है मैंने पहले भी खाए हैं। और फिर कल ही याद करती है कि अच्छा हुआ मैंने अपने चटोरेपन के कारण पकौड़े खाकर देख लिए और पता चल गया कि हाँ इसमें मिर्ची है, क्योंकि उसने सुजाता को झांकते हुए देख लिया था। फिर वह थूक देती है और कहती है कि इसमें तो मिर्ची भरी है। माँ ने उठा लेती है प्लेट, बोलती है अब क्या करूँ। राधिका आती है तो उससे कहती है मुझे दे दो, आओ तुम दूसरे बना लो।